जनसंघर्ष समिति ने की रेणुका जी बांध से विस्थापित होने वाले 34 गांव के किसानों की समस्याओं पर चर्चा। जल्द उपायुक्त सिरमौर को अपना मांग पत्र सौंपेगी संघर्ष समिति। करीब 700 करोड़ का बजट खर्च होने के बावजूद नहीं शुरू हुआ बांध का वास्तविक निर्माण कार्य। गिरी नदी पर बनने वाले 26 किलोमीटर लंबे रेणुका जी बांध से विस्थापित होने वाले 1142 के करीब किसान परिवारों की समस्याओं को लेकर जनसंघर्ष समिति द्वारा आम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। उपमंडल संगढ़ा के अंतर्गत आने वाले गांव सीयू में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता समिति के संयोजक एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रताप तोमर ने की। मौजूद विस्थापितों को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला ने बांध प्रबंधन तथा प्रशासन द्वारा विस्थापितों की मांगों की अनदेखी किए जाने के लिए नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में प्रदेश सरकार द्वारा विस्थापित किसानों की भूमि तो अधिग्रहण की जा चुकी है, मगर ना तो अब तक पुनर्वास की व्यवस्था की गई और ना ही अलग अलग श्रेणी के विस्थापितों को पहचान पत्र जारी हुए। उन्होंने कहा कि पुश्तो से डूब क्षेत्र में रहने वाले विस्थापितों अथवा किसानों को बेघर तथा भूमिहीन श्रेणी में रखा जाना चाहिए। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोगों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में विस्थापित होने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को रोजगार देने की बात भी कही। बैठक में जल्द विस्थापितों की समस्याओं को लेकर उपायुक्त सिरमौर को एक मांग पत्र सौंपे जाने संबंधी निर्णय भी लिया गया। शनिवार को हुई समिति की आम सभा की इस बैठक में विजय आजाद, पूरन चंद शर्मा, दुर्गाराम गुरदयाल तथा गोपाल आदि विस्थापित संघर्ष समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि वर्तमान लागत के मुताबिक करीब 7000 करोड़ से बनने वाले इस डैम से हिमाचल को जहां मात्र 40 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी, वहीं हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व दिल्ली को 23 क्यूमैक्स पेयजल उपलब्ध करवाया जाना इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित होने के चलते जहां बांध निर्माण के लिए 90% बजट केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, वहीं शेष 10% राशि इससे लाभान्वित होने वाले 6 राज्यों द्वारा MOU के मुताबिक उपलब्ध करवाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस डैम पर अब तक करीब 700 करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है, जिसमें लगभग 405 करोड़ बांध से विस्थापित होने वाले किसानों को मुआवजे के रूप में जारी की गई है। बांध के डूब क्षेत्र में आने वाला सबसे बड़ा गांव सीयू है, जहां समिति द्वारा आम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक 70 के दशक से प्रस्तावित इस डैम को तैयार करने का लक्ष्य शुरुआती दिनों में जहां वर्ष 1976 निर्धारित किया गया था, वहीं इसके बाद अलग अलग कारणों से लगातार इसका निर्माण कार्य लंबित रहा और अब आलम यह है कि 7 अरब खर्च होने के बावजूद वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होना शेष है। बांध का वास्तविक निर्माण कार्य शुरू न होने की मुख्य अड़चन वर्तमान में बजट का अभाव बताया जा रहा है। गिरी गंगा में गर्मियों में मात्र 5 क्यूमैक्स के करीब पानी रहना भी इस डैम से 23 क्यूमैक्स पानी उपलब्ध करवाए जाने पर सवालिया निशान खड़े करता है। हालांकि डैम के संबंधित इंजीनियर्स के अनुसार 26 किलोमीटर लंबा बांध अथवा रिजर्वायर तैयार होने पर जल स्तर बढ़ेगा और यहां से लगातार 23 क्यूमैक्स पानी उपलब्ध करवाया जा सकेगा।